चलो हम लोग पढ़ रहे थे केटीजी और हमने काइनेटिक एनर्जी निकाल ली थी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता ही है आप लोगों को। यस सर। पढ़ेंगे हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम को एफ से डिनोट करते हैं। और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वे, कितनी तरीके से कोई पार्टिकल मूव कर सकता है, उसे बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वे वे इन विच अ पार्टिकल कैन मूव, अ पार्टिकल कैन मूव और एग्जिबिट मोशन। कितने तरीके से कोई पार्टिकल मूव कर सकता है, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो देखो, सबसे पहले मोनो एटॉमिक गैस के लिए, मोनो एटॉमिक गैस कौन से? हीलियम, नियॉन, आर्गन, ठीक है, आपके जितने भी नोबल गैसेस है सब मोनो एटॉमिक गैस है। तो मोनो एटॉमिक गैस केवल तीन ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है, या तो इस तरफ, या ऊपर की तरफ, या जेड की तरफ, ठीक है। तो मोनो एटॉमिक, इसके पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम भी अलग अलग टाइप की। तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ट्रांसलेशनल का मतलब होता है जैसे एक्स की तरफ मूव कर गया, वाई की तरफ मूव कर गया, जेड की तरफ मूव कर गया। एक होता है रोटेशनल, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, जैसे कोई पार्टिकल है तो वो रोटेट करना, रोटेट के कारण कितनी तरीके से वो रोटेट कर सकता है। और तीसरा होता है वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कहाँ आता है? ये हाई टेम्परेचर पर। अगर टेम्परेचर हाई होगा तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, या तो ऊपर नीचे मूव करेगा, टू एंड फ्रो, या अप एंड डाउन। तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, ये मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? अभी मोनो एटॉमिक के लिए हम लोग बाद में देखेंगे। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तीन तरीके से, या तो एक्स की तरफ, या वाई की तरफ, या जेड की तरफ। तो ये मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी तीन हो सकती है। रोटेशनल, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो सकते हैं? ये भी आपका तीन हो सकता है, या तो एक्स एक्सिस के अलोंग घूमे, या वाई एक्सिस के अलोंग घूमे, या फिर जेड एक्सिस के अलोंग घूमे। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ये मैक्स टू मैक्स आपके दो हो सकते हैं, या तो टू एंड फ्रो मोशन करेंगे, या फिर अप एंड डाउन, ठीक है। यस सर। याद रखना, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कब आता है? जब टेम्परेचर काफी हाई हो, तब हम वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को कंसीडर करेंगे, वरना हम लोग वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को कंसीडर नहीं करेंगे। अब हम लोग अलग अलग एटम लेते हैं, कोई मोनो एटॉमिक लेंगे, फिर डाई एटॉमिक लेंगे, फिर ट्राई एटॉमिक लेंगे, तो उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी कितनी होती है उसको देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले लेते हैं मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक गैस। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन,
एटसेट्रा, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो सकती है? एक्स वाई जेड, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम डी ओ एफ, तीन ट्रांसनेशनल, रोटेशनल नहीं लेंगे इसमें, मान लो पार्टिकल एक सिंगल पार्टिकल है तो ये चाहे क्लॉकवाइज रोटेट करे चाहे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही रहेगा, तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, कोई रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होता, केवल तीन ही ट्रांसलेशनल, थ्री टी का मतलब है थ्री ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अभी आपको गिवन नहीं है कि टेम्परेचर हाई है, टेम्परेचर अगर हाई हो जाता है तो टू वाइब्रेशनल वाले भी जुड़ जाएंगे, वरना तीन ही रहेंगे इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो याद रखना मोनो एटोमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम तीन होते हैं। अब आता है डायटोमिक, डायटोमिक गैस जैसे आपका हो गया O2, N2 एटसेट्रा, तो डायटोमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, मान लो एक एटम यहां पर है एक एटम यहां पर है, या फिर ऐसे ले लो एक एटम यहां पर एक एटम यहां पर, तो इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे? अगेन ये तीनों तरफ मूव कर सकता है, एक्स की तरफ भी मूव कर सकता है, वाई की तरफ भी मूव कर सकता है और जेड की तरफ भी मूव कर सकता है, तो तीन तो ट्रांसनेशनल होंगे, प्लस क्या रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी होगा? रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी होगा इसमें, या तो ये वाई एक्सिस के अलोंग घूमे ऐसे करके, या फिर ये जेड एक्सिस के अलोंग घूमे, और देखो एक्स एक्सिस के अलोंग घूमेगा तो वो अपनी पोजीशन पे घूमेगा, कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं आएगा उसमें, तो या तो वाई एक्सिस या जेड एक्सिस, तो दो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो टोटल कितने हो गए? फाइव। तो याद रखो डायटोमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है फाइव, ठीक है? यस सर। डायटोमिक के बाद आता है ट्राइटोमिक, ट्राइटोमिक या पॉलीएटोमिक, ट्राइटोमिक और पॉलीएटोमिक, मतलब तीन से ज्यादा, ठीक है, तीन या तीन से ज्यादा। तो इसमें भी दो अलग अलग केस है, अगर मान लो लीनियर है, लीनियर ट्राइटोमिक, लीनियर ट्राइटोमिक जैसे फॉर एग्जांपल CO2, तो CO2 का आपको स्ट्रक्चर याद हो शायद, कार्बन डाइऑक्साइड का C इधर होता है O ऐसे होता है, 180 डिग्री का एंगल होता है आई थिंक, यस, ठीक है, तो ये भी तो लीनियर उसकी तरह डायटोमिक की तरह ही बिहेव कर रहा है, अगेन एक पार्टिकल यहां पर एक पार्टिकल यहां पर एक पार्टिकल, तीनों लीनियर है, अगेन वाई के अलोंग घूम सकता है जेड के अलोंग घूम सकता है, तो इसकी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी? तीन ट्रांसनेशनल दो रोटेशनल, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी फाइव लीनियर ट्राइटोमिक। फिर आता है नॉन लीनियर ट्राइटोमिक, चलो आगे देखो, तो लीनियर ट्राइटोमिक, अब नॉन लीनियर ट्राइटोमिक, ट्राइटोमिक या पॉलीएटोमिक, नॉन लीनियर पॉलीएटोमिक, सेकेंड पार्ट इसका, नॉन लीनियर
पॉलीएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक मतलब तीन या तीन से ज्यादा। इसके एग्जांपल है जैसे वाटर NH3 एटसेट्रा। तो वाटर का मॉलिक्यूल आपको पता ही है कैसा शेप होता है वाटर के मॉलिक्यूल का, तो ये एक्स ये वाई ये जेड इसका शेप होगा कुछ तीन मॉलिक्यूल ना। वाटर के मॉलिक्यूल का कैसा होता है वो इधर होता है ऐसा कुछ होता है ना। यस सर। दोनों के बीच में एंगल कितना होता है 108। यस सर 108.9। ठीक है दोनों एच मॉलिक्यूल्स के बीच में शायद 108 डिग्री का एंगल होता है, मुझे कंफर्म नहीं है सर। 109 होता है, 109 होता है, 109 28 मिनट। अच्छा अच्छा चलो पॉलीएटॉमिक को देखो आप। तो पॉलीएटॉमिक में तीन मॉलिक्यूल्स तीन एटम होंगे, तो हम मान लेते हैं कि तीन एटम जो है एक एटम वाई एक्सिस पर है, एक एटम एक्स एक्सिस पर है, एक एटम जेड एक्सिस पर है। ठीक है अब ये अगेन तीनों तरफ मूव कर सकता है, एक्स की तरफ भी वाई की तरफ भी जेड की तरफ भी, तो तीन ट्रांसलेशनल होंगे। अगेन ये तीनों एक्सिस के अलोंग घूम सकता है, एक्स एक्सिस के अलोंग भी घूम सकता है, वाई एक्सिस के अलोंग भी घूम सकता है, जेड एक्सिस के अलोंग भी घूम सकता है। तो इसमें तीन ही रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी 6। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होती है। ठीक है yes, sir. चलो आगे देखें अब। अब देखो किसी भी गैस को डिफाइन करने के लिए गैस में केवल क्या क्या चीजें होती है, किसी भी गैस को पता करना है तो इसमें तीन चीजें होती है, एक तो प्रेशर, एक होता है वॉल्यूम और एक होता है टेम्परेचर। तो किसी भी गैस की स्टेट को डिफाइन करने के लिए कि उसका टेम्परेचर क्या होगा प्रेशर क्या होगा आपको तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर डिफाइंड कंप्लीट गैस, उससे आप पता कर सकते हो कि इसमें कितने मोल्स होंगे कितने पार्टिकल्स होंगे। ठीक है प्रेशर और इनके बीच में रिलेशन भी होता है, वैसे रिलेशन हम लोग आगे पढ़ेंगे। पीवी इक्वल टू क्या होता है एनआरटी। ठीक इसके बाद कुछ टर्म्स आती है जैसे मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ क्या होता है, तो मैंने बताया था कि जो क्यूबिकल बॉक्स लिया था हमने उस क्यूबिकल बॉक्स में क्या होता है गैस के पार्टिकल्स रैंडमली मूव करते रहते हैं और वो आपस में क्या करते रहते हैं टकराते भी है और गैस जो कंटेनर है उसकी वॉल से भी टकराते रहते हैं। तो ये गैस मॉलिक्यूल तो इनके बीच में मान लो जाके इससे टकरा रहा है, फिर ये फिर इससे जाके टकरा रहा है और यहां से पहले से टक्कर हो चुकी है इसकी, तो इन दोनों टक्कर के बीच में जो डिस्टेंस है सभी मॉलिक्यूल्स का इसका निकालेंगे कि कोई तीसरा पार्टिकल है उससे निकालेंगे, तो ये जो डिस्टेंस होगी एवरेज सभी डिस्टेंस का एवरेज निकालेंगे उसे बोलेंगे मीन फ्री पाथ। मान लो इसको 10 सेंटीमीटर से डिस्टेंस ट्रेवल करी, फिर आगे गया इसने 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस करी, इसने 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी,
तो कितने टक्कर हुए, तीन टक्कर हुए, तो तीनों का एवरेज निकाल दो, फिर थ्री से डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा मीन फ्री पाथ। आई बात समझ में? नहीं सर। नहीं आया समझ में? नो सर। चलो ये पार्टिकल है, एक पार्टिकल यहां पर है, एक पार्टिकल यहां पर है, ये पार्टिकल गया इससे टकराया, मान लो इसने डिस्टेंस ट्रेवल करी 10 सेंटीमीटर। हाँ। इस टक्कर के कारण पार्टिकल फिर यहां पर गया, इसने डिस्टेंस ट्रेवल करी मान लो 6 सेंटीमीटर, ये पार्टिकल फिर यहां पर गया इससे टकराया, कितने कोलिजन हो गए? चार। एक कोलिजन, दो कोलिजन, तीन कोलिजन, टोटल कितनी डिस्टेंस इनके, इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी? 10 सेंटीमीटर। इसने 6, इसने 8, 10 प्लस 6 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 3 कोलिजन हुए, तो डिवाइड करने से तो क्या आ जाएगा? 8। सर ये टकराएगा, ये टकराएगा तो दूसरा पार्टिकल तो अपनी जगह से डिस्प्लेस होगा ना? ये इससे टकराया हाँ, तो दूसरा पार्टिकल अपने जगह से डिस्प्लेस नहीं होगा? हाँ ये फिर डिस्प्लेस हो गया ना, ये फिर इसको मोशन मिल गया, ये मूव करा। अच्छा वही पार्टिकल है जो आगे मूव कर गया? हाँ ये पार्टिकल इससे टकराया, इस टक्कर के कारण ये पार्टिकल इधर चला गया। अच्छा। ये पार्टिकल इससे टकराया तो ये पार्टिकल इधर चला गया। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो मीन फ्री पाथ क्या होता है? एवरेज ऑफ ऑल डिस्टेंस, सॉरी एवरेज ऑफ ऑल पाथ बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। ठीक है, ये हम लोग करंट जब चैप्टर पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे मीन फ्री पाथ। तो सभी पाथ का एवरेज दो टक्करों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ। फिर आता है रिलैक्सेशन टाइम। दो टक्करों के बीच में जो टाइम लगता है, ये पार्टिकल गया यहां से लेके यहां तक, तो इसको जितना टाइम लगेगा दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। तो एवरेज टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। एवरेज टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। सारी बात समझ में? यस सर। चलो आगे देखो, रब कर दो उसको। यस सर। देखो मैंने बताया था कि आप लोगों को जो पार्टिकल होते हैं एक्स की तरफ कुछ पार्टिकल्स मूव करते हैं, उसकी वेलोसिटी वी एक्स, वाई की तरफ पार्टिकल मूव कर रहे हैं उसकी वेलोसिटी वी वाई, और जेड की तरफ जो पार्टिकल मूव कर रहे हैं उसकी वेलोसिटी वी जेड। मैंने पूछा था कि कौन सी वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो कौन सी वेलोसिटी ज्यादा होगी?
तो सारे तरफ की जो मैग्नीट्यूड होता है वो मैग्नीट्यूड क्या होता है, इक्वल होता है। yes. तो अगर मैं किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी बोल लूं, किसी एक पार्टिकल की टोटल वेलोसिटी निकालनी है, तो वी स्क्वायर बराबर आप करोगे एक्स का कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट। तो एक्स कंपोनेंट है वी एक्स का स्क्वायर, वाई कंपोनेंट है वी वाई का स्क्वायर, जेड कंपोनेंट है वी जेड का स्क्वायर। बोलो बात समझ में आई क्या? ऐसे निकालोगे किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी? यस सर। यस सर। वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर प्लस वी जेड का स्क्वायर। और अभी मैं सही पार्टिकल की अगर वेलोसिटी बोलूं कि बताओ सही पार्टिकल की जो स्पीड है एक्स डायरेक्शन में वो सेम है जितनी वाई डायरेक्शन में और जितनी ही जेड डायरेक्शन में, तो मैं बोल सकता हूं कि एवरेज, एवरेज को कैसे लिखते हैं? ये एवरेज का साइन है, ये हो गया एक्स डायरेक्शन में स्पीड का वेलोसिटी के स्क्वायर का एवरेज। स्क्वायर क्यों करा मैंने यहां पे? क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव था, अगर मैं उसका स्क्वायर कर दूंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा ना। इक्वल टू वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी के स्क्वायर का एवरेज, इक्वल टू जेड डायरेक्शन में वेलोसिटी के स्क्वायर का एवरेज। बोलो तीनों सेम होंगे क्या? यस सर। तो वी एक्स स्क्वायर, वी वाई स्क्वायर, वी जेड स्क्वायर, इसको सॉल्व करके मैं वी एक्स स्क्वायर, वी वाई को भी वी एक्स लिख सकता हूं, वी जेड को भी वी एक्स लिख सकता हूं। तो यहां से आ जाएगा 3vx का स्क्वायर। तो किसी भी एक डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी एवरेज वेलोसिटी वो होगी v स्क्वायर बाय 3। बात समझ में आई क्या? इसको भी इसके अंदर बंद करो आप लोग, क्योंकि हम लोग एवरेज की बात कर रहे हैं। तो किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो 1/3 होगी टोटल वेलोसिटी का। समझ गए क्या? यस सर। यस सर। अब ये गैस जो वॉल उस बॉक्स के अंदर बंद थी, जो गैस वो वॉल पे कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रही है उसको वेलोसिटी के टर्म में देखो क्या आता है उसका फॉर्मूला। उसका डेरिवेशन भी है, वैसे मैं डेरिवेशन नहीं करवाऊंगा आप लोगों को, डायरेक्टली उसका फॉर्मूला देखो। प्रेशर का जो फॉर्मूला है, प्रेशर ड्यू टू अ गैस, मैंने आप लोगों को शीट दी है उसमें डेरिवेशन भी दे रखा है उसका। पी इक्वल टू जो आ जाएगा सॉल्व करके 1/2 रो v स्क्वायर का एवरेज। रो क्या है यहां पे? डेंसिटी। रो क्या है आपका? डेंसिटी। तो प्रेशर इक्वल टू आता है, प्रेशर का फॉर्मूला याद रखो, प्रेशर इक्वल टू आता है हाफ रो v स्क्वायर। तो यहां से देखो v स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉरी हाफ नहीं आता है, 1/3 आता है। तो यहां से आ जाएगा वी स्क्वायर 3p/ρ। और फिर अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा दो, इधर भी स्क्वायर रूट, इधर भी स्क्वायर रूट, तो ये बन जाएगा आपका क्या? इसको रब कर रहा हूं मैं, इसे बोलेंगे RMS स्पीड, दैट इज VRMS। RMS का मतलब होता है पहले हमने स्क्वायर करा, फिर उसका मीन निकाला, फिर उस पर रूट लगा दिया। पहले स्क्वायर करा आपने, फिर उसका मीन निकाला, मीन लगा दिया, फिर उस पर रूट लगा दिया, इसे बोलते हैं RMS। तो जो RMS स्पीड का फॉर्मूला आया वो क्या आया? 3p/ρ। इसको ध्यान रखना आप लोग, गैस की जो आरएमएस स्पीड होती है वो होती है 3p/ρ। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो इस पे। वी आरएमएस
गैस पार्टिकल की जो एवरेज स्पीड होती है वो 3p/ρ होती है, प्रेशर से आप और डेंसिटी से आप उसकी स्पीड निकाल सकते हो कि पार्टिकल किस स्पीड से मूव कर रहे हैं, आरएमएस स्पीड। बोलो आया समझ में? यस सर। यस सर। और देखो इसको कैसे और अपने अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। तो वी आर एम एस मुझे मिला 3p/ρ। रो क्या होता है? डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? टोटल मास ऑफ गैस अपॉन वॉल्यूम। ये हो जाएगा डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। और यहां पे देखो पीवी हो गया। पीवी क्या होता है? पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है क्या? तो 3nRT/m। m क्या है? टोटल मास ऑफ द गैस। v क्या है? टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। टोटल मास को नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दूं क्या आ जाएगा? टोटल मास को मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दूं क्या आ जाएगा? क्या मोलर मास आ जाएगा? m by n क्या बन जाएगा? मोलर मास 3RT/m0। m0 से रिप्रेजेंट किया था हमने। यस। और मोलर मास को क्या लिख सकता हूं मैं? मैंने बताया मोलर मास को मैं नंबर ऑफ 6.023 × 10⁻²³ इंटू मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऐसे लिख सकता हूं। Yes, sir. तो वी आर एम एस इक्वल टू 3RT/m×NA। और R by NA क्या होता है? R by NA क्या होता है? R by Avogadro number। क्या ये बोल्ट्जमान कॉन्स्टेंट होता है? Yes, sir. तो क्या हो जाएगा ये? ये सारे फॉर्मूले आपको सभी फॉर्म में याद होने चाहिए। 3kT/ मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, समझ गए क्या? यस सर। ठीक है, इसको नोट कर लो। अब हम पढ़ेंगे एवरेज स्पीड और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ये फॉर्मूले सर भी याद रखने आप लोगों को। वी आर एम एस के फॉर्मूले आपको कुछ भी दे सकते हैं। प्रेशर वॉल्यूम दे देंगे, प्रेशर दे देंगे, डेंसिटी दे देंगे, तो आपको चेंज करना आना चाहिए। वहां से वी आर एम एस निकालोगे, वी आर एम एस से आपका सारा काम हो जाएगा।